नाहरलगुन में पार्किंग लॉट्स के लिए बहुत बड़ी समस्या के चलते आज मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस स्ट्रीम्स नाहरलगुन में पूरी तरह से ऑटोमेटेड एआई बेस्ड स्मार्ट पार्किंग सिस्टम का उद्घाटन किया। उनके साथ अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कामलुंग मोसांग, 13वें ईटानगर एमएलए तेजी कासो और आईएमसी मेयर तामे फासांग भी शामिल हुए। यह परियोजना ईटानगर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है और इसे कुल 27.42 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जिसमें 5 साल की ऑपरेशन और मेंटेनेंस की लागत भी शामिल है। इस परियोजना को न्यूरोस इंटेलिजेंट मैनेजमेंट सिस्टम NIMS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के तहत साउथ कोरिया बेस्ड इंजीनियरों द्वारा डिजाइन किया गया है। प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देते हुए नॉर्थ ईस्ट रीजन के डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड ऑपरेशन काकू इसराइल तामिन ने कहा कि ट्रीम्स में स्मार्ट पार्किंग सिस्टम देश में अपनी तरह की पहली सिस्टम है और वे भविष्य में इस तरह की और प्रोजेक्ट बनाने की योजना कर रहे हैं। ऑटोमेटेड AI बेस्ड स्मार्ट पार्किंग सिस्टम में 4 टावर है जिनका कुल क्षमता 72 कार्स को रखने की है। जो फुली ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पार्किंग का डेमोंस्ट्रेशन हम लोग ने फिजिकली यहाँ पे देखा है एंड आई थिंक जहाँ पे जो लैंडलॉक्ड एरिया होता है और ख़ास करके अरुणाचल में जो सिटीज़ बोलिए या टाउन्स जहाँ पे जगह का जो स्कैर्सिटी है उसको आई थिंक ये जो पार्किंग जो मॉडल जो यहाँ पे आज बनाया है ये पार्किंग बेस्ड जो है अपना साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी का मुताबिक से बनाया है और इसको IIT से भी इसको वेटिंग किया हुआ है। कंस्ट्रक्शन टाइम क्योंकि ये प्री फेब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है इसको 6 मंथ्स ही लगता है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा आर्ट वर्क वगैरह करके ऑलमोस्ट 1 साल के अंतर्गत में ये प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। तो जैसे मैंने थोड़ा देर कहा कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में क्योंकि हिल एरिया है हम लोगों को पार्किंग के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होता है, तो ये एक अच्छा सोल्यूशन है। अगर इसका प्लिंट एरिया को देखा जाए तो यहाँ पे 10 गाड़ी का जो पार्किंग स्पेस को ये मल्टी लेवल पार्किंग जो ऑटोमेटेड करके 72 व्हीकल्स का यहाँ पे जगह है। दिस इज अ रियल लेटर डे फॉर आवर ड्रीम्स क्योंकि एज आवर चीफ मिनिस्टर सेड ये इट लुक्स वेरी स्मॉल एज अ प्रोजेक्ट बट इट हैज अ वेरी सिग्निफिकेंट मीनिंग। इट्स अ सिंबल ऑफ एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन जो हम लोग ड्रीम्स अभी करने का कोशिश कर रहे हैं। इस AI बेस्ड पार्किंग है एंड इसका जो टेक्नोलॉजी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी मुझे बताया गया है कि इस पेटेंटेड टेक्नोलॉजी का ये फर्स्ट इन द कंट्री। ऑलरेडी जैसे बताया कि अगर प्रोजेक्ट आई थिंक ऑलमोस्ट कम्प्लीट ही है तो 2-1 दिन में ही उसका भी हम पब्लिक को हम डेडिकेट कर देंगे और आने वाला दिनों में भी पार्किंग जहां तक मतलब जहां जहां मार्केट्स है उसमें भी इस तरह का इनोवेशंस करके पार्किंग हम लोग ये पार्किंग प्लेस हम लोग बनाएंगे। यहां के जो अपना स्मार्ट सिटी जो कॉरपोरेशन है उसके साथ में मिल के आने वाला दिनों में मैं चाहता हूँ कि पब्लिक को कहीं प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए पार्किंग को लेके। एक्चुअली ईटानगर के लिए बिल्डिंग बायलॉज भी ऑलरेडी बहुत पहले ही अप्रूव करके रखा हुआ है सरकार ने, बट उसको प्रैक्टिकली शायद रोल आउट उस प्रकार से हो नहीं पाया। अभी जैसे सिटी जो है काफ़ी रैपिडली ग्रो हो रहा है तो इसमें हम लोग जहाँ जहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वहाँ बनाएंगे उसमें तो मैंडेटरी होगा कि उसका बेसमेंट में ये पार्किंग का भी प्रोविजंस हो। मैं डिपार्टमेंट को ULB डिपार्टमेंट और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि आने वाला प्रोजेक्ट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में भी मिलकर उसका मास्टर प्लान भी इवन टाउन प्लानिंग जो है उससे एक्चुअली अप्रूव होना है, तो इसको अभी सिस्टमेटिक में हम लोग लेके आएंगे। देखिए वो तो जाना नहीं जाना तो उन लोगों का अपना एक इंडिविजुअल अपना एक इच्छा है, किसी को हम लोग पकड़ के रख नहीं पाएंगे, मगर पार्टी का अभी ये कहना है कि थोड़ा सा अभी पार्टी को थोड़ा सा ग्रोथ होना है, संगठन को अभी आगे बढ़ाएंगे। तो अभी जिस प्रकार से पब्लिक ने इस बार जो प्यार दिया है तो इसी उसका मुताबिक सब कैंडिडेट्स लोग भी BJP में आ गए, ये बहुत अच्छा बात है। तो मैं तो Day 1 से ही हमेशा यही कह के आया हूँ कि अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक स्टेट है, इसमें हम लोग ने एक्सपेरिमेंट के तौर पे बोलिए या प्रैक्टिकली बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टीज़ का गवर्नमेंट भी यहाँ पे पहले बना, ज़्यादातर कांग्रेस का ही यहाँ पे गवर्नमेंट रहा, मगर उस हिसाब से संभाला नहीं गया। मगर BJP का गवर्नमेंट अभी स्टेट में आके 6-7 साल हो गया तो इसमें देखा है कि मतलब पार्टी का जो सोच है अरुणाचल के लिए वो ठीक बैठता है और अरुणाचल जैसे डाइवर्सिटी जो स्टेट है यहाँ पर बहुत सारा कम्युनिटीज़
है, ट्राइबल ग्रुप्स है, तो इसको संभालने के लिए बीजेपी का अम्ब्रेला में ही हम लोग लेके जाना होगा। तो इसलिए पार्टी का अभी ये डायरेक्शन है कि 2024 के बाद में संगठन को भी ध्यान देंगे और संगठन को भी हम लोग ग्रोथ करेंगे। तो उसी आधार पर कल पार्टी ने मीटिंग रखा, तो पार्टी के जरिए से हम लोग ने ये रिक्वेस्ट सबको किया हुआ है। ये कल थोड़ा सा सरप्राइजिंग एक न्यूज़ आ गया था, जो पीएम साहब का प्रोग्राम चल रहा था तो उसमें ये खबर आ गया था कि एमएलए साहब जो हमारा 52 साउथ चांगलांग के वो काफ़ी सीनियर एमएलए है, लेट फुजुम जिमुन जी, वो करीबन 5 टर्म उन्होंने वहाँ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो अलग अलग कैपेसिटीज़ में उन्होंने काम भी किया हुआ है। तो पीएम साहब का प्रोग्राम के बाद में पीएम साहब को सी ऑफ करने के लिए मैं सीधा हेलीपैड से उनके घर में भी गया, उनको आपने और से श्रद्धांजलि भी अर्पित किया और फैमिली से भी हमारा बात हुआ। और कल ही यहाँ से नाहरलगन से उनका जो मॉर्टल रिमेन्स को चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में भेजा, तो आज चांगलांग से लेके जो उनका अपना जो गांव है किमुन जो गांव है वहाँ पे लेके फिर उन लोग का अपना लास्ट राइट्स वहाँ पे करेंगे। तो चुनाव का मामला है, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मगर मैं यहाँ से अपना जो वहाँ के लोकल जो उनका साथी विधायक है डिप्टी स्पीकर साहब तेसम पोंदे जी को मैं यहाँ से भेजा हूँ। तो काफ़ी एक दुखी था उनके निधन होने से, सभी को ही काफ़ी एक दुख का एक माहौल तो है, मगर अभी ज़िंदगी है, ज़िंदगी को आगे भी बढ़ाना है, सभी का अपना काम है। तो ये काफ़ी एक दुखद घटना तो हुआ। ये पार्किंग का प्रॉब्लम जो हर जगह है, स्पेशल ट्रिम्स में बिकॉज बहुत सारा बिल्डिंग्स आ रहे हैं, हम लोग का स्पेस कम है, तो इनिशियल प्लानिंग में हम लोगों ने अंडरग्राउंड पार्किंग का ही हर बिल्डिंग में कोशिश किया है, बट उसका भी लिमिटेशंस है। जब स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के अंदर में एक प्रपोजल आया था कि इस किस्म का एक पार्किंग लॉट बनाना चाहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक एआई बेस्ड होगा, तो शुरू में क्योंकि हमारे पास इतना जानकारी नहीं था तो बहुत लोगों ने हमें डिस्करेज किया था कि नहीं, ये तो ठीक नहीं होगा, आपका प्लान के मुताबिक नहीं है और इसका जो लुक को ख़राब करेगा, ये उनका सलाह था। मगर हमने देखा, जब बारीकी से हमने स्टडी किया तो हमारे जो सहयोगी है डॉक्टर दुकुम राय ने और हम दोनों ने उसको डिसीजन ले लिया कि ये तो बहुत बड़ा हमको लाभ होगा और ये जो हम लोग बिना कोई खर्चा जो ट्रीम्स का तरफ से किए बिना स्मार्ट सिटी पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट आ रहा है। तो अभी देखने में लग रहा है कि हम लोगों ने डिसीजन अच्छा ही लिया है। आप तो देख रहे होंगे ये टावर जो है देखने में एक आइकॉनिक टावर लग रहा है जो हमारा अभी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के साथ मैच कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे 72 कार्स एक साथ में हम लोग एकोमोडेट कर सकते हैं और कार को जो है अंदर ले जाना और उसको बाहर निकालने का समय करीब करीब सिर्फ 1 मिनट ही लगता है, जो सुनने में आया कि बाकी जगह में जहाँ पे इस किस्म का सुविधा है उसमें हाइड्रोलिक टाइप का होता है उसमें समय लगता है और कन्फ्यूजन बहुत है। और मुझे ये भी बताया गया है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, इसे पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, साउथ कोरियन इंजीनियर ने इसको डिज़ाइन किया है और इस किस्म का ये जो इंडिया में सबसे फर्स्ट है। तो ये ट्रीम्स का एक ट्रेंड है कि हम लोग जो भी चीज़ यहाँ इनोवेशन लाते हैं वो हमेशा कंट्री का फर्स्ट होता है, जैसे हमारा MRI और CT स्कैन जो भी उस समय जब हम लाया था उस समय कंट्री का करीब करीब फर्स्ट ही होता था। तो ये जो हम लोग का इस किस्म से हम स्टेट गवर्नमेंट से और स्मार्ट सिटी का जो इम्प्लीमेंट करने वाले UD से बहुत बहुत आभारी हूँ, एंड ऑन बिहाफ ऑफ दी ट्रीम पेटर्निटी उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। ओवरऑल पार्किंग का कितना रिक्वायरमेंट है आप लोगों का और आप लोगों का अपना अरेंजमेंट पहले से कितना था और इससे कितना फायदा? अभी हालांकि एग्जैक्ट एक्यूरेट हम लोग ने ये नहीं किया है कि कम से कम हम लोग को इन फ्यूचर में कम से कम 1000 का पार्किंग कार का पार्किंग की जरूरत पड़ेगा। तो अभी जितना भी बिल्डिंग हम लोग बनाएंगे उसका अंडरग्राउंड पार्किंग है, जैसे कि ये हॉस्पिटल ब्लॉक तो अंडरग्राउंड पार्किंग है, इकोनॉमिक ब्लॉक आपने देखा वो अंडरग्राउंड पार्किंग है, और अभी जो सुपर स्पेशल ब्लॉक हम लोग कह रहे हैं जिसका करीब करीब फ्लिंट एरिया जो है 1.5 एकर का फ्लिंट एरिया होगा, मतलब ये फ्लोर एरिया होगा, उसका नीचे में जो कार पार्किंग होगा, और हम लोग चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट हम लोग को सपोर्ट दे इस किस्म का कार पार्किंग या इससे थोड़ा बड़ा हम लोग इसका इस कैंपस के कोने कोने में लगा सकते हैं और कम से कम अनदर 3-4 जैसा इस किस्म का हम लोग पार्किंग लॉट लगाते हैं, बिकॉज इसका फुट प्रिंट जो है बहुत कम है एंड इट इज़ वेरी वेरी इकोनॉमिकली इन ए वे इन लॉन्ग रन में। एवरेज में सर हॉस्पिटल में कितना बेड होगा और कितना पेशेंट्स को हम लोग कैटर कर रहे हैं सर? अभी जो हॉस्पिटल बिल्डिंग देख रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक 1 एंड 2 मिला के हम लोग का कैलकुलेशन जो 700 से 750 तक हम लोग जा सकते हैं, उस जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा हम लोग स्केल अप करेंगे। और अगर जो हम लोग का अभी सुपर स्पेशल ब्लॉक आ रहे हैं, मेरा इनिशियल प्लान 500 बेड का था मगर अभी रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा होगा, वो हम भी करीब करीब 700 या 800 बेड का होगा। तो मिलजुल के हमारा ये जो स्टेट में ये ट्रिम्स जो है करीब करीब 2000 बेड का ये कैपेसिटी रख सकते हैं इन फ्यूचर में, वो हम लोग प्लान कर रहे हैं। थैंक यू सर।
पार्किंग का अभी हम लोगों ने शुरू में तो ट्रायल बेसिस में जो है ओनली फॉर डी फैकल्टीज फ्री में हम लोग करेंगे फ्यू मंथ्स, वो भी DUT के साथ हम लोग डिस्कस करना होगा, बट इन फ्यूचर में एक नॉमिनल हम लोग पार्किंग चार्ज रखेंगे ताकि इसका मेंटेनेंस के लिए भी देख रेख भी काम आएगा और पब्लिक को जो है हर चीज़ फ्री में देने से भी उसका जो है महत्व को हम लोग नहीं समझते हैं, तो उसके लिए एक ये एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग शायद पार्किंग का कुछ लगाएंगे कुछ अमाउंट, वो अभी हम लोगों ने फिक्स नहीं किया है, ये जो हम लोग UD के साथ में हम लोग MOU करेंगे तभी हम लोग ये और गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मेरा जो नाम है काकू इज़राइल तमिन, मैं इस कंपनी का नीरोस कंपनी का डायरेक्टर नोटिस हूँ और फाइनेंशियल ऑपरेशन को देखता हूँ, और ये फुली AI बेस्ड स्मार्ट कार पार्किंग साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी है, पर्स हमारा भारत में बनाया है, भारत में बनाया था अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो बनाया है, तो इसलिए इसमें से काफ़ी फ़ायदा होगा हमारा जो पार्किंग में, इतना छोटा सा जगह में जहाँ में 10 गाड़ी अगर पार्किंग करना था उसका जगह में 72 कार पार्किंग कर रहा है और इजी हो जाएगा पार्किंग के बारे में, तो इसी में हमारा बहुत सा ये नया टेक्नोलॉजी है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो भारतवर्ष में कई जगह में ऐसा AI पार्किंग नहीं बनाया है, इसीलिए मैं सोचा कि जब इस कंपनी का जो डायरेक्टर होते हुए इसलिए मैं अपना राज्य में फैला बनाने दिया है, उसके बाद में जहाँ जहाँ रिक्वायर होगा वहाँ अगला भारत राज्य में ले जाएंगे इस प्रोजेक्ट को। यही ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है इसका कॉस्ट कैसा गया और जो फैसिलिटीज है स्पेशली किस तरह से होगा? इसमें ऐसा है, ये जो है 27 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसमें हम लोग का जो 5 ईयर्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है और हमारा जो मटेरियल जितना भी जो यहाँ में सो मटेरियल डाला गया है जो साउथ कोरिया का प्रोडक्ट है और साउथ कोरिया से लाया गया है, तो इंजीनियर भी साउथ कोरिया से आया है, वियतनाम से और इंडोनेशिया से, तो ये है, तो इसमें हमारा ये प्रोजेक्ट जो है अर्थ क्विक प्रूफ है और आपका फायर एक्सटिंग्विशर ऑटोमेटिक है, तो ऐसा है और 40 to 60 सेकेंड में ये गाड़ी अपने आप नाम जाएंगे, ये है ऑटोमेटिक। तो आप जितने भी जनता है आज बहुत सारे बहुत लोग खुशी है कि ये जो है ऑटोमेटिक बोला है, लेकिन बहुत लोग का एक क्वेश्चन भी है कि ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, हार्ट ड्रीम्स में तो सिर्फ डॉक्टर्स को ही मिलेगा, पब्लिक को तो मिलेगा नहीं है बोल के ऐसा बहुत है, तो उनको आप क्या बोलते हैं? तो इसीलिए ये जो एक्चुअली कन्फर्म जो ट्रीम्स का अंदर में आ गया है, लेकिन डॉक्टर्स लोग नहीं है, जैसे ट्रीम्स में जो पेशेंट देखने आते हैं गाड़ी लेके आते हैं वो भी पार्क कर सकते हैं, डॉक्टर लोग भी पार्क कर सकते हैं, उसमें ये उसी का पैसा वो लोग का मैनेजमेंट कितना करके रखेगा घंटा में उसी का अनुसार में ये ऐसे पिक्स किया जाएगा। हम लोग 5 साल हम लोग ऑपरेशन मेंटेनेंस हम लोग चला देंगे, हमारा इंजीनियर रहेंगे 24/7 जो भी होगा वो हम लोग देखेंगे, और जैसे भी तो आप लोग को मालूम है कोरियन जो टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है, ये है।